हेलो एवरीवन, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमारी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत इजी कर देती है। ठीक है, इसमें हम दो ऑपरेशन सीखेंगे। पहला तो सब्ट्रैक्शन है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन भी किस फॉर्मूले से? निकिलम। ठीक है, निकिलम सूत्र की सहायता से सीखेंगे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बेस आपका हमेशा 10 रहेगा। क्या रहेगा बेस? तो आप जानते हो ना बेस। ठीक है, आधार क्या रहता है? हमेशा 10। ठीक है, कुछ टर्म्स इसमें इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एकाधिकेन, एकाधिकेन, एक अधिक, इसका मतलब क्या हुआ? एक अधिक, वन मोर डिजिट और नंबर। ठीक है, वन मोर डिजिट, एकाधिकेन का मतलब एक डिजिट ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ऐसे पॉइंट से शो करते हैं, ये किसी डिजिट्स के ऊपर लगता है। जैसे 5 है, 5 के ऊपर क्या लगा दी? टोपी लगा दी। ठीक है, तो टोपी लगाने से क्या, वो बढ़ गया, तो ये 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अपन जैसे 12 लेते हैं, 12 के अंदर पॉइंट किस पे लग रहा है? 2 पर। 2 के ऊपर टोपी लग रही है, पॉइंट लग रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। अगर 1 पे लगती तो ये क्या हो जाता? 22। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आप तो कहो सर ये वाला देखो, सर यहाँ पॉइंट लग रहा है। ठीक है, आप इसको एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप क्या कहते हैं, यहाँ पे 1 ऐड करो, अब आप 10 ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? 10। 10 ऐड किया, कितना हो गया? 22। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पर वंस होता है। क्या होता है? ये वंस वाली, ठीक है, पोजिशन है, और ये टेंस। तो यहाँ पर 1 ऐड होता है, अगर यहाँ पॉइंट है तो 10 ऐड होगा, यहाँ है तो 100। इस तरह से ये होता है। ठीक है, पर आपके कोर्स के अंदर यही रहेगा वंस वाले, तो आपको 1 ही ऐड करना रहेगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए बताया था। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस। फाइंड द एकाधिकेन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 3, 9, 12, 28। नंबर्स दिए हैं आपको, एकाधिकेन लगाया है, देखो सब पे टोपी लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। ठीक है, वो टोपी भी वंस प्लेस पे लग रही है। कौन से प्लेस पे? वंस। देखो 3 पे, 9 पे, 2 पे लगी, फिर 8 पे लगी, तो ये वंस प्लेस है इनकी। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक बढ़ा दो, 3 का क्या होगा? 4। 9 में एक और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 12 में एक ऐड किया, 13। फिर आपके 28 में 1 ऐड किया, 29। इस तरह से, ठीक है, कुछ आपके लिए भी करना है। ठीक है, आपको ये खुद से करना है। कैसे करना है? ठीक है, अभी बताया, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये 4 है तो आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, लगाया, और इसमें क्या करना है? आपको एक ऐड कर देना है। जैसे 4 + 1 क्या हो जाएगा? एक और ऐड किया तो 5। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, फिर है आपका सेकेंड, इकेन न्यूनिन, है ना? क्या है इकेन न्यूनिन? तो इसमें क्या होता है? एक डिक्रीज होता है। क्या होता है? एक डिक्रीज होता है, जैसे 1 कम होता है, 1 माइनस होता है। ये क्या होता है? डिजिट्स के नीचे लगता है, और वो जो एकाधिकेन था वो कहाँ लगता था? ऊपर, है ना? तो इसका अंतर आपको ध्यान रखना है। एक ऊपर लग रहा है तब तो ऐड होगा, और नीचे लग रहा है तो एक माइनस होगा। जैसे आप मान लो आप 13 है, फॉर एग्जांपल के लिए 13 में नीचे लगाया तो क्या हुआ? -1 कर दिया, 12 हो गया। ठीक है, मतलब एक कम होगा। क्या होगा? एक कम होगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5 है, 5 के नीचे पॉइंट लगाया तो एक कम किया तो कितना हो गया? जैसे 5 है, 5 - 1 करो तो कितना होता है? 4 लिख दिया। 9 - 1 करो, 8। 20 - 1 किया, 19। 25 - 1 किया, 24। इस तरह से होगा। ठीक है, अब दूसरा टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन। क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन तो है, हमने एकाधिकेन अभी पढ़ा था, एक अधिक, अब पूर्वेन और ऐड हो गया, है ना? तो क्या है? इंक्रीमेंट द प्रीवियस डिजिट बाय 1। तो जो प्रीवियस डिजिट होती है उसको क्या करते हैं? हम एक अधिक बढ़ा देते हैं। अभी ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखो वापस टेंस प्लेस पर, डॉट कहाँ पर है? टेंस प्लेस पर है। ठीक है, टेंस प्लेस पर है, तो यहाँ पर देखो इसको आपने क्या करना है? 10 ऐड करना है। तो 10 ऐड किया, 17 हो गया, इसमें 10 ऐड किया, 19 हो गया, इसमें 10 ऐड किया, 26 हो गया। अभी बताया था आपको कि ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपका मान लो 1, 2, 6 है, अगर आप यहाँ पर टोपी लगाओगे तो 1 ऐड करना रहेगा, आप यहाँ पर 1 लगाओ पॉइंट लगाओगे तो आपको 10 ऐड करना होगा। जैसे यहाँ लगाते हैं तो 1 ऐड करते हैं, यहाँ लगाते हैं तो 10 ऐड करते हैं, और यहाँ पर अगर आप टोपी लगाते तो आपको 100 ऐड करना होगा। ठीक है,
ये आप कंसेप्ट ध्यान में रखना। इसको क्या बोलते हैं, एकादिकेन पूर्वेन। अब एकेन न्यूनेन पूर्वेन, ठीक है, एकेन न्यूनेन पूर्वेन, इसमें डिक्रीमेंट होता है ना, डिक्रीमेंट होता है, तो वो क्या होता है डिक्रीमेंट, सॉरी, तो इसमें क्या है एक डिजिट कम होती है, ठीक है, जो पहले वाली डिजिट है, जैसे मान लो यहाँ पर लगेगा, तो अब पहले 10 ऐड कर रहे थे तो 10 माइनस भी करना रहेगा, तो देखो 15 में से हमने 10 क्या करना है माइनस, ठीक है, क्या करना होगा 15 में से आपको 10 माइनस करना होगा, तो क्या जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर इसी तरह 23 है, 23 में से 10 माइनस किया 13, फिर इसमें से 10 माइनस किया 149, और इसमें से 10 माइनस किया तो 241 हो गया। इस तरह से आपका ये होगा, ठीक है। फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री, जो आता है आपका डिजिट, वो क्या है, जैसे आपके दो फ्रेंड है, क्या है दो फ्रेंड है ना, तो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, इसको बोलते हैं परम मित्र, क्या बोलते हैं परम मित्र, दोनों साथ साथ में रहते हैं, मतलब दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ जैसे मान लो इसके पास भोजन है और इसके पास भोजन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। आप जैसे अपनी क्लास में ही देख लें, दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अगर इसने शॉर्पनर नहीं लाया तो ये शॉर्पनर उसको देगा, इसने इरेजर नहीं लाया तो ये इसको देगा, मतलब एक दूसरे की जो भी कमी होती है उसको पूरा करते हैं, ठीक है, इसकी जो ज़रूरत होती है ये पूरा करता है, इसकी ज़रूरत होती है तो ये पूरा करता है। ऐसा एक कंसेप्ट रहता है डिजिट्स में, जैसे ए और बी दोनों मिलकर क्या करते हैं 10 को कंप्लीट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट है 10 की, तो क्या होता है जैसे मान लो ए अगर आपका 1 है तो ये होगा आपका 9, दोनों मिलके क्या हो गए 10, इस तरह से ये अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स कहते हैं या फिर परम मित्र भी कहते हैं। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट्री अभी बताया 9 होगा, ठीक है, 2 का क्या होगा 8, कैसे होगा देखो आप इनको ऐड करके देखो आप एक बार, 2 और 10 है 10 होते हैं, 2 और 8 ऐड किया 10 हो गया, इस तरह से 3 का 7 होगा, ऐड करेंगे 10 होगा, इन दोनों को ऐड करो 10 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करो तो जो दोनों डिजिट्स को ऐड करने पर 10 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स हैं या फिर परम मित्र हैं। इन्हें आप परम मित्र से भी याद कर सकते हैं कि ये आपके परम मित्र हैं, ठीक है, आपको खुद से ही पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगर अब मैं कहूँ 9 का परम मित्र कौन है तो 1, 1 का परम मित्र कौन है 9, इस तरह से बताना है, 2 का परम मित्र कौन है 8, 8 का परम मित्र कौन है 2, 3 का परम मित्र कौन है 7, 7 का परम मित्र कौन है 3, 4 का परम मित्र कौन है 6, 6 का परम मित्र कौन है 4, ठीक है, 5 का परम मित्र कौन है 5, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है रहेगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट आप लिख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपके दो कंसेप्ट रहेंगे, अगर आपको पहला स्टेप तो क्या रहेगा क्या ये इसका मेथड क्या है, एकेनिन न्यूनेन पूर्वेन और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, ठीक है, दो हैं, एकेन न्यूनेन पूर्वेन, एकेन न्यूनेन पूर्वेन और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स, ठीक है, तो जो इस तरह से करना है मतलब इसका भी यूज़ करना है और इसका भी यूज़ करना है, मतलब परम मित्र भी यूज़ लेना है और इस कंसेप्ट को भी यूज़ में लेना है, ठीक है, दोनों को। हाँ, पहले स्टेप क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होता है, जब अपर डिजिट जो होता है ना, अपर डिजिट जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो 5, 4 और 3, ठीक है, अब देखो ये है अपर डिजिट, क्या है ये आपका अपर डिजिट है ना, इसको UD लिख रहा हूँ अपर डिजिट, और ये है आपका लोअर डिजिट, ठीक है, तो अपर डिजिट अगर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 1 आ रहा है ना, ये इजी हो गया। तो पहला जो केस है आपका, अपर डिजिट क्या होता है ग्रेटर, बड़ा होता है, और लोअर डिजिट क्या होता है आपका छोटा होता है, ठीक है, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो आपने फर्स्ट से लेके फोर्थ तक किया वो उसी तरह से आप इसको करना है, आपको नॉर्मल तरीके से करना है, और जब क्या हो आपका अपर जो डिजिट है वो क्या हो छोटा हो और लोअर डिजिट क्या हो बड़ा हो, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ किया है मतलब बड़ा, जैसे आपको समझाने के लिए हम ले लेते हैं 6 और 7 और 3, इस तरह से, ठीक है।
ये है। तो यहाँ पर देखो ये अपर डिजिट क्या है, छोटी है, और ये क्या है, बड़ी है। तो इस केस में आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले ये वाला केस इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड। कैसे ऐड करना होगा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होता है ना, किसका, लोअर डिजिट का, है ना, लोअर डिजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट आपको ऐड करना है ऊपर वाले में, ठीक है। जरा राइट द सम एंड लोअर लास्ट प्लेस, और कहाँ लिखना है, यहाँ पर लोअर लास्ट प्लेस में, ठीक है। ये आपको मैं बता दूंगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपको समझ में आएगा इसको। पहला स्टेप क्या है, ऐड करना है, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, परम मित्र किसका, लोअर डिजिट का, इसका परम मित्र, है ना, इनका नीचे वाले का परम मित्र ऊपर वाले में ऐड होता है, ठीक है। फिर दूसरा सम, इन दोनों को ऐड करके कहाँ लिखना है, लोअर लास्ट प्लेस, ये लोअर लास्ट प्लेस है ना, यहाँ लिखना रहेगा, ठीक है। फिर इन दोनों का आएगा तो यहाँ लिखना रहेगा ऐसे। फिर क्या करना है आपको, पुट करना है प्रीवियस डिजिट ऑफ अपर डिजिट, तो आपको पुट क्या करना है, ये डॉट, है ना, आपको डॉट पुट करना है। अभी हमने क्या पढ़ा था, एके न्यूनियन, तो एके न्यूनियन क्या है, आपको बताया था ना कि नीचे पॉइंट लगता है, कोई भी डिजिट है तो उसके नीचे आपका ये लगता है ना, इसका ध्यान रखना है, ये नीचे लगेगा, तो आपको ये जो डॉट है वो इसके यहाँ लगाना होगा, ठीक है, 7K जस्ट नीचे। अभी क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह से आपका रिपीट करना है, वापस यही प्रोसेस करना है। अगर यहाँ पर ये ग्रेटर है तो आपको ये प्रोसेस करना नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस लेते हैं, उससे समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपको दे रखा है, ठीक है। ये सी का मतलब है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, इस तरह से। तो कॉलम 1 में क्या है, देखो आपका ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, अपर डिजिट है, अपर डिजिट क्या है, स्मॉलर, और ये क्या है, लोअर डिजिट, ग्रेटर। तो मैंने बताया था ये सेकंड केस है, इसमें क्या है, आपको ऐड करना रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप परम मित्र निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले जैसे आपको लिखना रहेगा 3 है, हिंट में बता रहे हैं आपको, ठीक है, 3 से बड़ा कौन है, 4। जब ऐसा होता है ना, 3 जो अपर केस है वो क्या है, बड़ा होगा, ये बड़ा है नीचे वाला, तो आपको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, किसका, तो आपको लिखना है सेकेंड स्टेप के अंदर परम मित्र, ठीक है, किसका, परम मित्र ऑफ नीचे वाले का, कौन है, 4 का परम मित्र कौन है, 6, बताया था, ठीक है। तो यही इसी स्टेप के अंदर आपको ऐड करना रहेगा, है ना, ऐड किस में करना है आपको, 6, इसका आपको 6 लेना है और इसको ऐड करना है 3 को, कितना आ गया आपका, ऐड करने पर 9 आया, ठीक है। तो 9 को आपको यहाँ पर लिखना है ना, लोअर लास्ट प्लेस पर, ठीक है, ये 9 का हो गया। तो अगर आपको बताया था प्रीवियस डिजिट पे क्या लगेगा आपका, एकेन यूनियन लगेगा, ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। फिर आपका आता है वापस, अब वापस चेक करेंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, ठीक है, थर्ड स्टेप में आ जाओ। क्या करना है, 5 को पहले लिखो, फिर देखो ये ऐसे करेंगे, 8 वापस पड़ा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, एक कम हो गया ना, बताया था ना, एक कम होगा तो 4 हो गया, 4 8, वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको परम मित्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं PM करके फोर्थ स्टेप में, ठीक है, PM ऑफ किसका, PM लोअर डिजिट का, ठीक है, 8 का PM ऑफ 8 कितना होगा, 2। फिर क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है, ऐड किस में करना है आपको, आपको 2 ऐड करना है ऊपर वाले में, ऊपर कितना है, 4 है, आपको 5 दिख रहा है, पॉइंट नीचे दिख रहा है, कम होगा 1, तो 4 हो गया, कितना हो गया ये, 6, तो 6 को कहाँ लिखना है, नेक्स्ट लोअर प्लेस, है ना, नेक्स्ट लोअर प्लेस डिजिट है, नेक्स्ट लोअर प्लेस, ठीक है, कितना है, 6, ठीक है, इस तरह से होगा। फिर इसके बाद आपका वापस वही प्रोसेस, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, बताया था तो पॉइंट लगा दिया, वापस कंपेयर करेंगे, कौन सा, 5th प्लेस, कंपेयर करो, पहले 7 लिखो, फिर देखो क्या है, बड़ा है, कौन है, ऐसे आ गया, इसका मतलब नॉर्मल होगा, क्या होगा,
नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर ये जो अपर केस है वो बड़ा है ना, ये क्या है, ग्रेटर है। जब ये ग्रेटर होता है तो क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो सेवन में से सिक्स हो गया, ये सिक्स माइनस फाइव कर दो है ना, सब्ट्रैक्ट नॉर्मल, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वन। तो यहाँ आपको क्या लिखना रहेगा, वन। इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। दो केस हैं, एक तो नॉर्मल वाला केस है जब अपर वाला क्या होता है, बड़ा, और लोअर वाला क्या होता है, छोटा। और ये सेकंड केस है जिसमें अपर वाला छोटा होगा और लोअर वाला बड़ा होगा, तो उसी केस को सॉल्व करना है वैदिक मेथड से, ठीक है। तो परम मित्र किसका लेंगे, लोअर वाले का। तो हमने परम मित्र फोर का लिया था, नीचे था है ना, इसका भी परम मित्र लिया, इसका भी। तो नीचे वालों का परम मित्र लेते हैं और ऊपर वाले में ऐड करते हैं, ठीक है। और जब ऐसा प्रोसेस करते हैं तो फिर आगे वाले पे प्रीवियस डिजिट पर हम क्या लगाते हैं, एक एन न्यूनेन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।